Today I am deliver my lecture on the topic communication skill. This is second sem course work. तो content communication में हम meaning of communication क्या होता है, what make good communicator, process of communication क्या है, communication game क्या होता है, what did we learn, इससे हम क्या समझते हैं. कम्युनिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो एबिलिटी टू कन्वे मैसेज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. कम्युनिकेशन थ्री टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अमौखिक, और रिटन कम्युनिकेशन जिसमें लिख के हम किसी को मैसेज कन्वे करते हैं. ये हमारी डेली बेसिस लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हाट्स मेक अ गुड कम्युनिकेटर, एक कम्युनिकेटर को कैसा होना चाहिए, एन एक्टिव लिसनर होना चाहिए उसको, एन इफेक्टिव प्रेजेंटर होना चाहिए, अ क्विक थिंकर लाइक कपिल शर्मा शो का अगर देखा होगा तो कपिल शर्मा जो है वो एकदम क्विक थिंकर है, वो तुरंत उसको जवाब करना है, तुरंत आंसर देना है, और लास्ट में आता है विन विन नेगोशिएटर. तो जो हमारा कम्युनिकेटर होता है वो एक दोनों वे को लेके चलता है, मतलब कि अपना एक अच्छा विन विन सिचुएशन बनाता है कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और खुद भी टॉकिंग अच्छे से कर सके. अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा एक सोर्स होता है यानी कि सेंडर मैसेज को सेंड करता है, और एक रिसीवर होता है जो हमारा मैसेज को सुनता है. तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप के चैनल होते हैं, सोर्स जो मैसेज को देना है, मतलब कि जो लैंग्वेज हमारी है, किस लैंग्वेज में मैसेज जा रहा है, किस चैनल के थ्रू जा रहा है, और उसको कैसे हमारा जो रिसीवर है उसको कैसे डिकोड कर रहा है, और उसका फीडबैक कैसे सेंडर को भेज रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं हूँ, एक मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, मैं एक सेंडर हो गया, सोर्स हो गया, और मैं कौन सा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये टॉपिक है मेरा, ठीक है, ये मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ, और चैनल कौन सा है हमारा, माध्यम है यूट्यूब माध्यम है, इस माध्यम से मैं मेरे स्टूडेंट को मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है. और फिर अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो फीडबैक भेजेंगे, सर वीडियो अच्छा था, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा मैसेज कन्वे हो गया है. तो ये पूरा चैनल है मैसेज को सेंड करने के लिए. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स जैसे कि मैंने बताया, व्हाई टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, यूजफुल ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है. इनकोडिंग क्या होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो भी जिस लैंग्वेज में हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और कैसे हमारा जो रिसीवर होगा उसको डिकोड करेगा, जो भी मैंने बोला, अगर कुछ भी मैं बोलता हूँ तो वो डिकोड करेगा उसे. एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है. और इसमें समटाइम कन्फ्यूज़न हो जाता है, कल्चरल इशू, मिस्टेकन एजम्पशन और मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है. तो ये अलग जानने की चीज़ है. तो मैसेज हमारा कैसे बीच में ख़राब हो सकता है, ठीक है, अगर वहाँ पे समटाइम मैंने कुछ गलत कह दिया या कुछ रह गया तो फिर मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा सही से. नोइंग योर ऑडियंस, मुझे अपने ऑडियंस को जानना होगा, मेरे ऑडियंस कैसे हैं, किस तरह से समझते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरी जो लैंग्वेज को डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. प्रोसेस में चैनल हमारा कैसा चैनल है, तो दो तरीके से, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है,
मैं बात कर रहा हूँ, सामने मेरा स्टूडेंट होगा या कोई होगा, तो उसके फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलेंगे। थ्रू मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं, इधर से उधर मैसेज कन्वे कर रहे हैं, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि मैं अभी इस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना मैसेज मेरे स्टूडेंट को पहुंचा रहा हूं। रिटर्न कम्युनिकेशन चैनल, रिटर्न में क्या होता है, लेटर होते हैं, ईमेल्स होता है, रिपोर्ट्स होती है, ये मैंने बनाया और ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया, ठीक, लेटर के थ्रू सेंड कर दिया, ये रिटर्न कम्युनिकेशन चैनल हो गया। डिकोडिंग, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे लिसनर उसको डिकोड करेंगे, जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज को इमेज फॉर्म में समझते हैं, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो हमारी एक दिमाग में इमेज बनती है, तो जैसे कि मैंने अभी रिमोट बोला तो मेरे दिमाग में रिमोट का एक इमेज बन जाएगी, या मैंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि जो मुझे पता ही नहीं है, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उस शब्द को बोलूँगा तो मेरा लिसनर उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो इमेज नहीं बनेगी, उसको डिकोड नहीं कर पाएगा वो, तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, वहाँ लिसनर मेरे कोड को डिकोड नहीं कर पाएगा और मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। अवॉइड द कन्फ्यूजन, रीडिंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आस्क क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है कि कभी कभी समटाइम रिसीवर को नहीं समझ में आता है तो वो मैसेज को फिर से बोलता है कि सर समझ में नहीं आया या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, तो उसको फीडबैक देना होता है, तो फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर और इफ़ेक्टिव हो सकता है। द इन्फ्लुएंसर ऑफ रिसीवर, और रिसीवर को भी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि समटाइम अगर उसको नॉलेज कम है या मैसेज जो भी सेंडर है वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है सही से, तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा और वहाँ पे हमारा जो मैसेज होगा सही से कन्वे नहीं हो पाएगा, वो कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकाल लेगा, ठीक है, तो इस वजह से हमारा मैसेज रुक भी सकता है। ब्लॉकेज ऑफ रिसीवर माइंड, सराउंडिंग डिस्टर्बेंस, समटाइम सराउंडिंग डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसमें मैसेज हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे मोबाइल पर बात कर रहे हैं बहुत रश है तो आवाज़ बेटर क्लियर नहीं आ पाती है, तो ये है हमारा रिसीवर के मैसेज जाता है। अब रिसीवर को मैसेज समझ में आया कि नहीं आया तो रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से फीडबैक भेजेगा। कम्युनिकेशन गेम, कम्युनिकेशन गेम से हम क्या समझते हैं, समटाइम हम एक कम्युनिकेशन गेम खेलते हैं कि हमारा कई ढेर सारा ग्रुप रहता है लोगों का, उसमें एक कुछ सेंटेंस लिख दिया जाता है, तो सेंटेंस पहले वाले को पर्ची दे दी जाती है, उसमें वो रीड करता है, फिर वो अपने पीछे वाले पर्सन से बोलेगा, फिर पीछे वाला पर्सन उसके पीछे वाले पर्सन को बोलेगा और इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा, और लास्ट वाला पर्सन जब वो सेंटेंस बोलता है तो वहाँ पे सेंटेंस का कुछ अलग ही अर्थ हो गया होता है लास्ट तक जाते जाते, तो ये होता क्यों है, वर्बल कम्युनिकेशन कैन क्रिएट हियास वाइल रीचिंग द लास्ट पर्सन, ये हियास कहाँ से क्रिएट हुआ, तो ह्यूमन में गलती करने की वो गुंजाइश रहती है, कुछ ह्यूमन एरर रहती है, कुछ बातें करने का, जैसे कि होता है कि समटाइम इंडिविजुअल को समझ में नहीं आता और फिर फीडबैक नहीं मिला होता है उसे, तो वो प्रोसेस वहाँ पे सही से कन्वे नहीं हो पाता है, फिर वहाँ लास्ट पर्सन तक पहुँचते पहुँचते वो बदल चुका होता है, तो इस वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता है, तो इसी वजह से हमें फीडबैक भेजना रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लेना पड़ता है, ठीक है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इसे बनाना पड़ता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।